इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। सबसे पहले जाकर साक्षी को घर ले आइए। वो के मुंजाल के घर पर है। अब तुम्हें क्या करना है वो मैं बताती हूँ। तुम राधिका से शादी कर लो। कैसे खुशखबरी, साक्षी के बारे में पता चल गया? यहाँ पता चल गया और उसके रिश्ते की बात भी शुरू हो। आज आपकी वजह से उसकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। अब चलो साक्षी, घर में सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कम ऑन। जाओ जाओ साक्षी, अपना घर तो आखिर अपना ही घर होता है। उसी घर से तुम्हारी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी और मैं भी यही चाहता हूं बेटा कि तुम्हारी डोली उसी घर से उठे जिस घर में तुम्हारा जन्म हुआ है। जीते रहो बेटा, जाओ अपने घर जाने की तैयारी करो। साक्षी की शादी में आशीर्वाद देने तो आपको आना ही होगा। जरूर आऊंगा बेटा, क्योंकि रिश्ते जब एक बार जुड़ जाते हैं ना तो इतनी आसानी से नहीं टूटते। जी, मैं तो बहुत खुश हूं, आखिर राहुल ने हाँ कर ही दी। वैसे एक तरह से सही भी है, राहुल और साक्षी एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, राहुल उसे भूल भी कैसे सकता था। अब थोड़ी बहुत तकरार तो हो ही जाती है ना। तुमने साक्षी के बारे में उन लोगों से तो बात कर ही ली होगी, लेकिन जब से मैंने मुंजाल को देखा है तब से मैं बहुत बहुत परेशान हूं। आप परेशान क्यों होते हैं? और फिर पुरानी बातें याद करके परेशान होने से क्या फायदा? अब सब बातें मुंजाल भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तुम्हें पता नहीं कि मुंजाल के साथ क्या हुआ है? क्या? उसे देखने के बाद मैंने उसके बारे में पता चलाया और अखबार में सारी वो खबरें छपी भी हैं। कैसी खबरें? मुंजाल आज की तारीख में इस शहर का एक माना हुआ बिजनेसमैन है। उसका एक ही बेटा है गौरव। कुछ दिनों पहले गौरव के साथ एक बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ और वो बेचारा कोमा में पड़ा हुआ है। क्या? और ये जानने के बाद मुझे हर वक्त ये ख्याल आ रहा है कि कहीं मुंजाल हमसे अपनी अमानत ना वापस मांगी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। क्या हो रहा है पापा, क्या बातें चल रही हैं? राहुल की शादी के बारे में बात चल रही थी तो फिर हमने सोचा कि राहुल तुमसे छोटा है तो क्यों ना पहले तुम्हारी शादी करवा दी जाए। हाँ बेटा, जब तुमने सबके सामने कबूल कर ही लिया है कि तुम राधिका को पसंद करते हो तो
फिर देर किस बात की? माँ, आप लोगों को जो ठीक लगता है ना, आप कर लीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं बस आप दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। लीजिए। ठीक है। अब हमें राकेश की शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। भला लोग ठीक ही कहते हैं, किसका रिश्ता किससे जुड़ेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि रिश्ते तो आसमान से बनकर आते हैं। कौन किससे कब कहां मिलेगा बताना मुश्किल है। हाँ माँ, देखो अब हम सोच भी नहीं सकते कि राधिका की शादी राकेश से तय होगी। देखो ना बेटा, कहाँ शहर का रहने वाला राकेश और दूर किसी गांव में रहने वाली राधिका। राकेश का एक्सीडेंट होना, गांव में जाकर रहना और राधिका का उसकी देखभाल करना और फिर दोनों का एक दूसरे को पसंद करना, सब ऊपर वाले का खेल है। और अब देखो दोनों की शादी भी होने वाली। हाँ वो तो है। अच्छा माँ, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। नमस्ते। अरे आप, नमस्ते। आइए। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। जी वो स्नेहा ने फोन किया था कि राधिका बिटिया की शादी की बात चल रही है। स्नेहा ने फोन किया था कि राधिका बिटिया की शादी की बात चल रही है। सुनकर बड़ा हैरान हुआ मैं। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। जी वैसे तो खुशी की बात है, लेकिन मेरे लिए तो दुख की बात भी है कि स्नेहा घर छोड़कर चली गई। क्या करूं, बहुत जिद्दी है। जाने भी दीजिए, वो जहां भी रहे खुश रहे बस। नमस्कार। जी सर, नमस्कार। बैठे थे आप? बैठी। असल में स्नेहा ने फोन किया था तो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों से मिलता चलूं, तभी जाऊंगा उसके पास। वो क्या है, दरअसल श्रीधर और अंजना के बारे में तो अभी तक कुछ पता चला नहीं, लेकिन राकेश के बारे में कुछ बातें मालूम हुई हैं मुझे, वही आपको बताना चाहता था। जैसा वो श्रीधर और अंजना ने जिसे बचाया था उसका नाम राकेश ही था। असल में उसकी याददाश्त चली गई थी, इसीलिए वो लोग उसे शहर लेकर आए थे। लेकिन जिसे शहर लेकर आए थे उसका नाम तो अर्जुन था। जी उसका नाम उन्होंने अर्जुन ही रखा था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ लेकिन जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसका चेहरा तो बदल गया था ना शिवराम जी, तो वो राकेश कैसे हो सकता है? जी जैसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे जो पता चला वो ये कि जिसको श्रीधर और अंजना ने बचाया था वही राकेश था और उसको ही लेकर वो लोग शहर आए थे। जिस दिन अपनी रिधिका बिटिया की शादी थी, याद है ना आपको?
कभी कभी औलाद को खुश देखने की चाहत में माँ बाप औलाद के दुश्मन बन बैठते हैं। शायद मुझसे भी यही हुआ। नहीं पापा, आपसे कोई गलती नहीं हुई पापा। इनफैक्ट आपका तो हक बनता है कि आपकी औलाद कोई गलती करे तो उसे डांटने का, उसकी गलती को सुधारने का। आपसे कोई गलती नहीं हुई पापा। अब सब कुछ ठीक हो चुका है साक्षी। हाँ बेटा, तुम्हारे जाने के बाद भी इस घर में तूफान थमे नहीं थे। जो तूफान उठने थे उठ चुके, और असल में देखा जाए तो वो जो तूफान थे वो अपने साथ हमारी मुश्किलों को, हमारी दुश्वारियों को भी ले गए। लेकर रितिका के साथ साथ तुम भी परेशान रहा करती थी ना, अब सब ठीक हो चुका है, सब ठीक है। आपका मतलब? हाँ साक्षी, सारी गलत फहमियां दूर हो चुकी हैं। अब मानस और रितिका हमेशा हमेशा के लिए एक हो चुके। अरे हाँ, वो जाओ रितिका से मिलो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ। साक्षी, हाय मॉमी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भाभी, आप कैसी है? देख लो, ठीक हूं, लेकिन तुमसे बहुत नाराज हूं। साक्षी, तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और मुझसे तुमने पूछा तो नहीं। कैसे बताती भाभी? अगर बता देती तो क्या आप मुझे जाने देती? नहीं जाने देती, और मैं नहीं चाहती थी कि आप भैया और पापा के खिलाफ जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे आने पर आप मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देंगी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही आ जाती। कैसी खुशखबरी? यही खुशखबरी जो मेरे लिए सबसे खुशी की बात है, कि अब आप और भैया एक हो गए हैं। अब आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता भाभी, कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ साक्षी, अब सब कुछ ठीक हो गया है भाभी। अब आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। और आप दोनों को लेकर जो भी सवाल उठाए जा रहे थे, अब वो सारे सवाल खत्म हो चुके हैं। I'm so happy for you भाभी, I'm so happy। हाँ, और मैं इस बात के लिए भी खुश हूं साक्षी कि मैंने अपना प्रण पूरा कर दिया। एक इंसान, एक देशभक्त को कुछ लोगों ने गद्दार साबित कर दिया था, लेकिन मैं उसके माथे से कलंक हटाना चाहती थी, और मैंने कलंक हटा भी दिया। मैंने अपना प्रण पूरा कर दिया। बस अब तो मुझे अपना घर संभालना है और जिम्मेदारियों को संभालना है जो प्रशासन ने मुझे दी है। भाभी, I'm so happy for you।
मैं पूछती हूँ, आपको जज साहब से जाकर मिलने की क्या जरूरत थी? जबकि मैंने आपको फोन करके बता दिया था कि अब हमारा उस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा। अब नहीं रहा ना, लेकिन पहले रह चुका है रिश्ता उस घर से। और ये घर छोड़कर तुम खुद आई हो, किसी ने उस घर से निकाला नहीं तुम्हें। ओह, तो ये भी आपको राधिका ने बता दिया। देखो बेटी, तुमने रिश्ता तोड़ लिया वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर रिश्ता दिल से जुड़ा हो तो वो इतनी आसानी से नहीं टूटता। मैं उनकी इज्जत करता हूं, वो मेरी इज्जत करते हैं। अब तुम ही बताओ, अगर ऐसे में मैं इस शहर में आता और उनसे न मिलता तो क्या सोचते हो मेरे बारे में? उनसे मिलना इसलिए भी जरूरी था कि मैंने श्रीधर, अंजना और राकेश के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की थी और मैं वो उन्हें देना चाहता था। अच्छा, तो ये भी बता दीजिए कि आपने उन्हें क्या क्या जानकारी देकर आए? यही कि वो राकेश ही था जिसे अंजना और श्रीधर ने बचाया था और शहर लेकर आए। यही कि वो राकेश ही था जिसे अंजना और श्रीधर ने बचाया था और शहर लेकर आए थे। लेकिन अजीब बात तो ये है कि वो लोग कह रहे थे कि वो राकेश था ही नहीं, उसका चेहरा बदल गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बापू? मैं भी जब से गांव से आई थी बस यही सोचती थी, लेकिन यहाँ टीवी पे मैंने राकेश जी का चेहरा देखा था और वो अब भी बिल्कुल वैसे ही है। हो सकता है कि शायद उनको चेहरे पे थोड़ी सी चोट आई हो और बस ये बात फैला दी गई हो कि उनका चेहरा ही बदल गया है। तुम्हें अब इस मामले में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भी इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। एक बात समझ लीजिए पापा, कल तक राकेश उनका दामाद था और आज हम राकेश और राधिका की शादी की बात कर रहे हैं। ये बात उन्हें इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं होने वाली। न जाने उन लोग हमारे बारे में क्या क्या सोचेंगे और क्या क्या कहेंगे। अरे ठीक है बाबा, मैं नहीं बोलूंगा इस मामले में कुछ भी। ये बताओ कि राधिका की शादी की बात कहां तक पहुंची है? क्या मुझे भी चलकर बात करनी होगी इस मामले में? मुझे नहीं लगता है पापा कि ऐसी किसी भी बात की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राकेश भी अपनी राधिका को पसंद करता है। बस शादी तो तय ही समझिए। मुहूर्त निकलवाना बाकी है अब पापा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो फिर मुहूर्त निकलवा ही लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा पापा। मैंने कहा था ना, अब राधिका की जिम्मेदारी मेरी। मुहूर्त निकलवाकर मैं आपको खबर कर दूंगी। आप अभी गांव वापस लौट जाइए, वहां पे भी तो कोई है नहीं ना देखभाल करने वाला। हाँ ठीक कह रही हूँ। अरे ये मामला क्या है पापा, जितना सोचा जाए उतना ही उलझता जा रहा है। हाँ, शिवराम जी का कहना है कि अंजना और श्रीधर जिसे लेकर यहाँ आए थे वो राकेश था, पर वो राकेश था तो उसका चेहरा तो बदल गया था, पर उन्होंने तो उसे अर्जुन कहकर मिलाया था ना। शायद अब तो मुझे भी लगता है कि इसके पीछे कोई राज है, कोई बात जरूर है। कैसी बात पापा, कैसा राज? अब इस बात का खुलासा तो सिर्फ श्रीधर और अंजना कर सकते हैं। कोई बता सकते हैं कि राकेश को अगर उन्होंने बचाया था, राकेश कब तक उनके साथ रहा? और जिसे वो अपने साथ लेकर आए थे वर्जन, वर्जन कौन है? लेकिन
श्रीधर और अंजना दोनों लापता हैं, समझ नहीं आता कि अब इस बात का खुलासा कैसे होगा। यूं ही कोई लापता कैसे हो सकता है? कहीं इसके पीछे भी कोई रास्ते नहीं? हाँ शायद, पता नहीं क्या है लेकिन कुछ तो है। पापा, श्रीधर अंजना के अलावा ये बात हमें अर्जुन भी तो बता सकता था कि वो कौन है, और श्रीधर अंजना का उसके साथ रिश्ता क्या है? हो सकता है कि उसे इस बात का भी पता हो कि अंजना और श्रीधर कहां पर है। पापा, अर्जुन आखिर इसी शहर में है ना, उसका तो पता लगाया जा सकता है।